श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश गुरु परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम तस्म श्री गुरवे नम गीता में अठारहध्याय अनेक साधु संत। इन अठारह अध्यायों को तीन भागों में बांटते हैं समझाने के लिए पहले छह अध्याय जो है वो मैं को लेकर के है हमारे जीवन के ये तीन अंग है हम कुछ ना कुछ बने हैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर तो ये अपना जो व्यक्तित्व है उसको लेकर के समझाने के लिए पहले छे अध्याय दूसरे छे अध्याय है अपने आप पर नियंत्रण करने के लिए तो जो व्यक्ति इन दो से मुक्त हो जाता है उसके लिए आखिरी के तीन छे अध्याय तो एक से छ अध्याय तक हमको कैसे रहना चाहिए दुनिया में यह बताया है फिर सात से बारह छः अध्याय तक इस दुनिया में रहते समय किसके आधार से रहना चाहिए ताकि हमारा जीवन चले ठीक से और फिर तेरह से लेकर के अठारहवें अध्याय तक के हम कौन है इसका हमको विस्तार से बताया जाता है तो पहले छह अध्याय में क्या बताया शॉर्ट में हम समझ लेंगे हमारे सबके जीवन की विशेषता ये है कि हम अपने जीवन के दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है मैं यदि पति हूं थैंक गॉड आई एम नॉट मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी देखो मैं यदि मां बाप हूं मेरे दुख का कारण मेरे बच्चे इसका परिणाम क्या होगा मैं पति पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेगा इसको कहते हैं अशक्य अनुष्ठान कभी नहीं हो सकता उसी प्रकार से मैं माँ बाप बच्चों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे वो भी कभी नहीं हो सकता देखो और फिर आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसमें तो यहाँ पहले छ अध्याय में यही बात बताई है कि याद रखो तुम कि इस समय तुम कौन हो अभी हम अपना फोन नहीं लाए उसमें हमारा हैप्पी मंत्र माला है कल हम बनाएंगे लगाएंगे हैप्पी मंत्र माला में एक मंत्र है वो ये है कि वेरेवर यू आर वेनेवर यू आर वट एवर यू आर बी हंड्रेड परसेंट आप जहां हो जब हो जो हो सौ प्रतिशत रहो ये पहले छह अध्यायों का निचोड़ है देखो अभी हम कहा है सत्संग में कब है जब सत्संग चल रहा है तब तो हम क्या होना चाहिए सत्संगी होना चाहिए या पति पत्नी भाई बहन सास ससुर होना चाहिए कितनी सिंपल बात है वर्तमान में रहना इसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं भूत में भविष्य में जाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत है जैसे आपको हमने समझो पूछा कि देखो भाई आ, दो दिन के पहले आप दोपहर को ढाई बजे क्या कर रहे थे हो गए नहीं परेशानी और दो सौ छियानवे में कितनी गणित करने लग गए प्रयत्न आ गया है वहां जहां प्रयत्न होता है वहां हम नॉर्मल नहीं होते जो ऊंचे सुनते हैं उनको सुनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है क्योंकि ऊंचे सुनते हैं और चूंकि वो प्रयत्न करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं आदमी जीवन में थकता इसलिए है कि वो बहुत ही परेशान होकर के रहता है इसीलिए पहली महत्व की बात हमको वर्तमान में रहना है यहां रहना है अच्छा दूसरा प्रश्न दो सौ नब्बे दिन के बाद माने दो सौ इक्यानवे दिन में सुबह में साढ़े नौ बजे आप क्या करोगे पता नहीं जिंदगी रहेगी कि नहीं तो देखो तात्पर्य क्या निकला यदि आप भूत और भविष्य में भटकेंगे तो प्रयत्न करना पड़ेगा और परेशान होगे अब वर्तमान में आ जाओ अब आप यहां हो अब हो क्या प्रयत्न करना पड़ रहा है कुछ नहीं कितनी सिंपल बात है यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताई अर्जुन की पहले अध्याय की समस्या क्या थी कि ये युद्ध मैं कैसे करूं मेरे दादाजी है मेरे गुरु महाराज है मेरे भाई है ये सब मरेंगे ये इसी को मालूम था बाकी किसी को मालूम नहीं था क्या क्या भीषमाचार्य को मालूम नहीं था द्रोणाचार्य को मालूम नहीं सबको मालूम था लेकिन ये ज्यादा शाहना बन गया ज्यादा अपने को बुद्धिमान समझने लग गया और फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया यदि ये युद्ध होगा तो लोग मरेंगे खून बहेगा फिर ये होगा अब कहाँ हो तुम वर्तमान में हो भगवान ने क्या कहा वेर एवर यू आर वेर एवर यू आर व्हाट एवर यू आर बी हंड्रेड परसेंट युद्ध के मैदान में अर्जुन किसी का पोता था या किसी का शिष्य था किसी का भाई था या योद्धा था देखो तो क्या हो गई भगवत गीता इतना ही याद रखो संतो इसको बिल्कुल सहजता से याद रखना है जहां भी हम है जब भी है जो भी है सौ प्रतिशत रहो हमारा चक्कर यही है जाने कहा गए वो दिन वो भी गए भाड़ में तुम भी जाओ वर्तमान में रहो ना वर्तमान में रहने के लिए प्रयत्न नहीं जहां प्रयत्न नहीं वहां थकावट नहीं जहां थकावट नहीं वहां आनंद है देखो तो अर्जुन की समस्या क्या थी मैं इस समय कौन हूं और इसी का उत्तर पूरी भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया अच्छा उसके लिए क्या क्या करना है ये पहले छह अध्याय बताते हैं तो पहली बात भगवान बताते हैं कि जीवन जीना है ना तो उत्साह से पूर्ण होकर के जीना है ऐसे नहीं कि गम उठाने के लिए हम तो जिए मरो फिर। हम गम उठाने के लिए नहीं पैदा हुए हम आनंद को प्रकट करने के लिए पैदा हुए देखो आप लोग बच्चे पैदा करते हैं दुखी होने के लिए होते हैं वो बात अलग है देखो महाराज हमारे जीवन का कोई भी कार्य हम दुखी हो इसके लिए नहीं किया जाता कितनी सिंपल बात है और इसीलिए कैसे करे उसका टेक्निक बताया भगवान ने क्लैब्यम आसम क्षुद्रम हृदय दौरबल्यम त्यक्तो दिष्ट द्वितीय अध्यय बताते कि जीवन में उत्साह से जीना है जो भी कार्य आप उत्साह के साथ करते हो आप में ऊर्जा प्रकट हो जाती है और जो भी कार्य आप पीछे डंडा पड़ रहा इसीलिए चल रहे हैं तो वो कार्य आप में ऊर्जा पैदा नहीं करेगा देखो और ये ऊर्जा बाहर से नहीं आती हम सभी के सभी ऊर्जा के स्रोत है इसीलिए जीवन में उत्साह होना चाहिए साधारण लोगों में और साधु संतों में क्या फर्क होता है साधारण लोग जो उनको अच्छा लगता है वो वो करेंगे और साधु संत क्या होते हैं जो करना है वो अच्छा मान करके करेंगे एकदम परिवर्तन हो जाता है विचारों में और इसलिए क्लैब्य जीवन में उत्साह से रहित होकर के मत जियो जीवन का एक एक क्षण उत्साह से पूर्ण हो देखो तो ये बात बताने के पश्चात आप कैसे रहे तो उसके लिए बताते हैं जगत में कुछ भी करो आप उसके तीन रिजल्ट हैं। आप जो भी करो या तो जीतोगे या तो हारोगे दूसरा तो कोई है ही नहीं जीत गए तो लाभ है हार गए तो हानि है लाभ हुआ तो खुश हुए हानि हुई तो दुख हुआ भगवान कहते सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो अपने मन के संतुलन को टिका करके जगत में जियो सबसे मूल्यवान वस्तु संपूर्ण विश्व में यदि कोई है तो अपने मन की शांति उधर ध्यान दो दुनिया को लेकर के जो दुखी होते हैं वो बेवकूफ होते हैं देखो मन की शांति हम अपने ही कारण दुखी होते हैं। क्या करें? देखो ना सुबह सुबह एक पहुंच गए गुप्ता जी क्या कर रहे हो यार गुप्ता जी कहते सुबह सुबह कैसे टपका तू मैं बिजी हूं क्यों आया क्या काम है नहीं यार मैं बोर हो रहा था इसीलिए आया कौन आया तुमको बोर करने के लिए नहीं मैं अकेला ही था बोर हो रहा था इसलिए आप ध्यान से सुनो जो आदमी अकेला हो करके बोर होता है अपने ही कारण कितना सॉलिड बोर होगा इस, इस व्यक्ति की स्थिति क्या है एक आदमी गया डॉक्टर के पास डॉक्टर साहब हाँ जी मैं रात को इतने खर्राटे मारता हूं कि मेरे खर्राटों से मेरी ही नींद टूट जाती है अब मैं क्या करूं तो डॉक्टर ने कहा दूसरे कमरे में जाके सो जाओ देखो संतो सीरियस होकर के लाइफ नहीं चलती टेक लाइफ लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम देखो गतासु न गतासुश नानुष होचंती पंडिता ज्ञानी पुरुष दुखी नहीं होते इसलिए हमको अपने मन के संतुलन के साथ नहीं खेलना अब तीसरी बात बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू ते संगास्तु अकर्मणि ये चार सिद्धांत बताए पहला सिद्धांत हमको वर्तमान में रहना है ये चॉइस नहीं है यह कंपल्शन है वी कैनॉट लिव यस्टरडे वी कैनॉट लिव टुमोरो हमको आज ही और अभी जीना है और जो भी हम करते हैं वो यहां और अभी करते हैं अच्छा हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं ताकि हमको भविष्य में आनंद मिले इज इट नॉट हम जो भी कर रहे हैं दुखी होने के लिए नहीं करते जैसे आप लोग शादी करते मुझे बताओ किस आदमी ने लड़के ने या लड़की ने शादी इसलिए की कि वो दुखी होवे होता है वो बात अलग है माने हमारे जीवन के सभी कार्यकलाप भविष्य में हमको खुशी दे इसके लिए होते हैं ना तो हम करते क्या है अपने जीवन की खुशी भविष्य में ढकेल देते हैं मैं ये करूंगा ये होने के बाद वो मिलेगा उसके बाद मैं खुशी होगा तो हमने क्या किया वी हैव पोस्टपोन्ड अवर हैप्पीनेस इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम जो व्यक्ति अपने जीवन की खुशियां भविष्य में ढकेलता है वो वर्तमान में कभी सुखी नहीं रह सकता तो क्या करे जो भी करना है उसमें हमारे हमारे हृदयस्थ आनंद को प्रकट करे जो भी करना है खुश होके करो ना नहीं तो मत करो हमारी समस्या क्या है हमारी समस्या ये है कि हम ऊपर से दिखाते हैं हा हा जी हम करेंगे करें और अंदर में एकदम तूफान उठ रहा है जैसे हमारी हवाई सुंदरिया जो होती है आप चले जाओ किसी भी फ्लैट में और अंदर से काट रही है इसीलिए एसिडिटी होती है फिर देखो संतो तो करे क्या हमारे जीवन का हरेक कार्य हरेक कर्म आनंद को प्रकट करे तीन प्रकार से हम जीते हैं शरीर से वाणी से और मन से शरीर से जो करना है मस्त होकर के करो थकोगे नहीं आप देखो यदि वहाँ पर मुझे फिर करना है तो आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा हमको लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते हैं जैसे कल रात को हम सोते सोते रायपुर में थे सोते सोते रात के बारह एक दो बज गए थे फिर सुबह उठ करके सात बजे एयरपोर्ट पर पहुँचना है और आपके रायपुर ये कौन सा गांव है जयपुर जयपुर में आते आते हमको साढ़े तीन चार बज गए आके फिर हमने कहा एक घंटा तो सोना ही है। एक घंटा खूब तान दुपट्टा सो लिए चाय पी के आ गए आपके सामने देखो हृदय में उत्साह हो तो आपको बोर नहीं होगा नहीं तो अरे यार फिर जाना है और वही गीता और लोग तो सुधरते नहीं कितने बार बताया है मुझे लगता है बकवास हो रहा है देखो कितनी सिंपल बातें होती है इसीलिए आप जो भी करो शरीर से वाणी से मन से उसमें आनंद प्रकट हो तो आप शरीर से थकोगे नहीं वाणी से कड़वे नहीं बोलोगे देखो और तीसरी बात मन से निगेटिव नहीं थिंकिंग करोगे यदि आप वर्तमान में रहते हो तो हमारा जो मन है ना ये दो प्रकार की या तीन प्रकार की खुराक खाकर के जीता है फैट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स टोटल पास्ट पुरानी बातें याद करके 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 वही भटकते रहेगा जब हम छोटे थे उस समय की बात किसने पूछा बुढ़ाओ लोगों के पास भविष्य तो है ही नहीं अब मेरा भविष्य क्या है कुछ भविष्य नहीं है फिर क्या करूँगा वही अपने पुराने मुर्दे उखाड़ेंगे दिखाएंगे ये मेरा बचपन का मुर्दा है ये जवानी का मुर्दा है देखो संतो भूतकाल को मत लाओ और जो कुछ अच्छा बुरा हो गया उसका इतना प्रभाव होता है उस प्रभाव के कारण हम वर्तमान में एकदम आराम से फ्रेश होकर के नहीं रह सकते रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट अच्छा दूसरा हमारा मन भटकता है भविष्य में भविष्य में क्या करता है जो समस्या नहीं है उसके समाधान का प्रयत्न करता है हम वहां जाएंगे समझो लेट हो गया फ्लाइट और समझो लेट टाइम से नहीं पहुंचे कुछ हुआ कुछ नहीं तो चिंता या वरी क्या है एन अटेम्प्ट टू सॉल्व द नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो समस्या नहीं है उसको हल करने के प्रयत्न को चिंता कहते हैं कामों काम चिंता कर रहे स्वामी जी क्या होने वाला है मुझे क्या मालूम देखो रिलैक्स हो जाओ महाराज आई डोंट नो वट इज गोइंग टू हैपन इफ यू डोंट नो रिलैक्स इफ यू नो बी प्रिपेयर चिंता करने के लिए कहां ऑप्शन है और तीसरी बात वर्तमान में जब हम रहते हैं एक्साइटमेंट हो जाती है इतने एक्साइट हो जाते हैं कई बार लोग जब नमस्कार करने आते हैं ना एक्साइटमेंट हो करके और उसके कारण जब कोई हम माताएं होगी तो शूर्पण खा नखा माने नख होते हैं ना शूर्प माने सूप जो होता है ना दान को करने का जो जिनके नाखून सूप के जैसे है उसको शूर्पणा कहते हैं आ करके हमारे पैरों को नोचती है हो नमस्कार कारण क्या है एक्साइटमेंट देखो तो तीन जगह में मन हमको गुलाम बनाता है भगवान कहते हैं जो भी करना है मस्त होके करो आप कभी भी बोर नहीं होंगे जो होना है वो होना है क्यों यो किस लिए कर रहे हैं खुशी के लिए तो खुशी से करो ना खुशी के लिए मत करो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा ये होने के पश्चात फिर आगे चलते हैं भगवान छठवें अध्याय में पांचवा छठवा छठवें अध्याय में आ गए वहाँ आने के बाद बताते हैं कि अपने आप पर नियंत्रण होना आवश्यक है कब हम सोते हैं कब जगते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलना चाहिए जीवन को डिसिप्लिन होना चाहिए हमारा जीवन कैसे सुबह जैसे सत्संग सुनते हैं लोग हमारे रिट्रीट अटेंड करते हैं तो वहां उनको एक्साइटमेंट हो जाता है एकदम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा हो जाता है और फिर अब घर जाकर के हम रोज ऐसा ही करेंगे घर गए दूसरे दिन सुबह हुई चार बजे नींद खुली फिर उनके मनीराम उनको बताते यार ये बाबा ये लोगों को कुछ काम धंधा है नहीं सुबह चार बजे उठ गए उठ के क्या करेंगे है सो जाओ और फिर सो गए देखो महाराज डिसिप्लिन नाम की वस्तु है ही नहीं डिसिप्लिन किसको कहते बताऊं जब हम अपने ज्ञान का आदर करते हैं उसको डिसिप्लिन कहते हैं देखो ये इतना भारी है ये वहां रखे थे और गर्दन टूट जाए तो हमको अपने जीवन में डिसिप्लिन होने का तात्पर्य अपने ज्ञान का आदर करो ज्ञान के मामले में हम कोई भी कम नहीं है सबको मालूम है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्थी वेल्दी एंड वाइज बता है ना जीवन क्या है लेट टू बेट एंड लेट टू राइज इज द वे टू बी अनहेल्दी एंड अदरवाइज किसको मालूम नहीं खामो खाम अनावश्यक चीज देखते रहते है टीवी पर देखो हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं खाने के लिए ऑर्गेनिक चाहिए अभी हम रायपुर से आए वहाँ एक बोर्ड पढ़ा हमने हमने कहा रायपुर वाले भी भयानक है बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था बताओ आपको ऑर्गेनिक एग्स <laughs> मैं सोच रहा ऑर्गेनिक एग्स के पेड़ को लटकते हैं <laughs> देखो आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कर लो आदमी बेवकूफ बन जाता है ये खाने से वो होगा और सबसे बड़ा डॉक्टर कोने मालूम दुनिया में व्हाट्सएप कोई किसी को कुछ भेज देता है हाँ ऐसे करो ठीक हो जाएगा देखो तो हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं हमने अपने मन को ठीक रखने के लिए आज तक क्या मेहनत करी है हमने सब सीखा है अपने जीवन में आपकी जो कन्याएं होती छोटी जब बच्चे मां के कहा मम्मी मुझे भी रोटी बनानी है तो मम्मी दे देती एक छोटे से टुकड़ा और बेलना उसकी पहली रोटी आती है न्यूजीलैंड के जैसी मम्मी मेरी रोटी ऐसी क्यों नहीं आ रही बेटा ऐसा प्रयत्न करना पड़ता है दूसरी बनाई ऑस्ट्रेलिया हुआ बड़ी मुश्किल से गोल बनती है तो रोटी बनाना भी सीखना पड़ता है ध्यान से सुनना क्या हमको अपने माँ बापों ने क्या हमको अपने गुरुजनों ने क्या हमको अपने बाबाजियों ने विचार कैसा करते हैं ये सिखाया है कैसा विचार करते हैं हमको ऐसे लगता है मन में विचार आते हैं इसीलिए हम विचारवान है हाउ टू थिंक आर वी थिंकिंग और वी आर रिएक्टिंग आर वी थिंकिंग और वी आर वरिंग चिंतन करो महाराज चिंतन करना और वरी करना दोनों ही विचार ही है वृत्तियां ही है वरी करना चिंता करना माने हम अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं उसको कहते चिंता चिंतन करना माने क्या हम ऐसा विचार करते हैं कि अपने उलझे हुए विचारों में से सुलझ जाते हैं कभी बताया है हमको किसी ने कुछ नहीं बताया मालूम ही नहीं तो क्या बताएंगे तो छठवा अध्याय हमको यह बताता है कि अपने मन पर काम करो नॉर्मली योगा का तात्पर्य पूरे वर्ल्ड में एक ही हो गया है योगा माने क्या ट्विस्टिंग द बॉडी इन फैक्ट योगा इज स्ट्रेटनिंग द माइंड मन को सीधा करो देखो आत्मापमे न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वहा दुखम स योगी परमो मता भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इतने समत्व में आ जाता है कि उसके लिए अपना पराया रहता ही नहीं वो है योगी और ये योग कैसा है योग की परिभाषा भगवान कृष्ण के अनुसार तम विद्या अनिर्विण्य चेत जीवन में दुख आना सबके लिए सामान्य है दुख आने के बाद दुखी होने से इनकार करना ये योग है देखो तम विद्या दुख संयोग जीवन का जीवन में दुख का आना दुख संयोग वियोगम दुखी नहीं होना योग सनीतम इसको कहते हैं योग और हम हमेशा उसी में फंसे हुए पता नहीं क्या होगा ये अरे रक, रिलैक्स रिलैक्स चिंता करने से कुछ नहीं होता ये छठवें अध्याय में बताने के पश्चात अब हम थोड़े जरा डिसिप्लिन हो गए फिर सातवें अध्याय से लेकर के बारहवें अध्याय तक भगवान कहते हैं देखो हम यदि जैसे जब छोटे थे चल नहीं सकते थे तो किसी का आधार लेकर के चलते थे इसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए आधार लगता है और जिनका आधार होता है उनको एक को कहते हैं गुरु दूसरे को कहते हैं भगवान तद विज्ञानार्थम गुरु में वाभि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम हर चीज के लिए हमको गुरु चाहिए ड्राइवर कैसे सीख गाड़ी चलाते वो ड्राइवर सिखाता है लेकिन जहां तक शास्त्र का बात है हम अपने आप में हाथ में गीता लेंगे और फिर कहेंगे ई द हेल्थ यार रिटर्न इन संस्कृत नाइन इंग्लिश ऐसे समझ आएगा देखो और इसीलिए हमको आधार लेना है पहला आधार अपने मय को समर्पण करने का एक स्थान हो देखो मनुष्य दुखी होता है कार्य कारण के विवेक से हर चीज का कारण पता नहीं महाराज क्या कारण है मैं इतना दुखी हूं मैं अपने पत्नी से परेशान हूं लोगों की पत्नी अच्छी होती है मेरी पत्नी ऐसी क्यों है क्या कारण हो सकता है तो हम लोग क्या कहेंगे देखो तुमने पिछले जन्म में ना उसको छला था और उस समय उसने करवा चौथ करी थी अब वो सात जन्म तक छोड़ेगी नहीं तुम लेकिन अब मैं तो सब भूल गया मैं क्या करो अब उसको कोसना बंद कर दो और उसके साथ व्यवहार ठीक करो <coughs> तो क्या होगा अगले जन्म में वो तुम्हारी पत्नी नहीं होगी रियली कार्य कारण <coughs> उसके स्थान पर यदि आप जो थारी रहा है सो मारी रहा है मार देखो अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दो इसलिए सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक मन को भगवान में लगाना कैसा आवश्यक है और कैसा किया जाता है ये बताया ये हो गया उपासना का मार्ग तो पहले हमने अपने पर कार्य किया जहां हम जो है करना है ठीक से दूसरा भगवान की सहायता ले लो और गुरुजनों से जाकर के सीख लो ये होने के बाद अब हम तैयार हो गए तीसरे स्थान पर ज्ञान का मार्ग कर्म मार्ग देह प्रधान भक्ति मार्ग जीव प्रधान और यह जो ज्ञान मार्ग है यह है परमात्मा प्रधान अब हमको पहचानना है देखो पंद्रहवें अध्यय का आपको महत्व बताऊं सभी वेदों का सार सभी वेदों का अंतिम विचार की पराकाष्ठा उसको कहते उपनिषद उपनिषद को वेदांत कहते वेदांत का तात्पर्य ज्ञान की पराकाष्ठा इसे और जानना विचार करने से कुछ है ही नहीं अल्टीमेट इन थिंकिंग वेदांत फिर इन सभी उपनिषदों का सार गीता हरेक गीता के अध्याय के बाद आपको यह लिखा हुआ मिलेगा श्रीमदगवदीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय उपनिषत्सु तो गीता क्या है फिर वेदों का सार उपनिषद उपनिषदों का सार गीता कितनी कॉन्सेंट्रेट हो गई और भगवद गीता का सार पंद्रहवा अध्याय आपने यि पंद्रही अध्याय को निचोड़ करके पी गए ना तो ए तर बुद्धिमान चात कृतक भारत आपके जीवन में कृतकृत्यता प्रकट होगी कृतकृत्यता माने क्या आप ना उद्धो को लेना ना माधो को देना जीवन में परिपूर्णता देर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट इन लाइफ आती है तो डांट दे वायर यू लेट देखो ये है कृतकृत्यता गुत और इसीलिए ये पंद्रहवा अध्याय गीता की आत्मा है और इसको विस्तार से सूक्ष्मता से हमको समझना है तो एक बात और बता दे कहा लोग इकट्ठे होते हैं पहली बात फ्री बॉलीवुड डांस प्रोग्राम कितनी भीड़ होगी पूरा जयपुर चला जाएगा फ्री है बॉलीवुड है डांस है मैक्सिमम क्राउड दूसरा हॉस्पिटल्स कोई भी हॉस्पिटल में आपको इन्विटेशन मिलता है क्या हमारे यहां आ जाइए हम ही पहुंच जाते हैं वहां भी भीड़ होती है किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप भीड़ के दो स्थान हो गए तीसरा भीड़ का स्थान मंदिर तीन जगह में कौन जाते हैं बॉलीवुड के जगह जाता है भोगी और हॉस्पिटल में जाता है रोगी मंदिरों में जाता है कामी मुझे बताओ हम भगवान के दर्शन के लिए भगवान के लिए जाते हैं कि अपनी कामना पूर्ण करने के लिए जाते हैं जितने भी आपके स्तोत्र है ना उसमें यही लिखा होता है कि ये करने के बाद पुत्रार्थी लभेद पुत्र धन आर्थी लभेद धनम मोक्षार्थी लभेद मोक्ष मंदिर के बाहर भी भिखारी होते है, अंदर भी भिखारी होते दोनों जगह तो ये तीन लोग हो गए भोगी रोगी कामी अब चौथा स्थान कौन सा है जिम यहां भी जिम हो गए ना आप कभी भी जाके देखो जिम में जिम में आपको कितनी फैसिलिटी देते हैं एक महीना फ्री आपको नहाने के बाद फ्रेश टॉवल मिलेगा गर्म पानी मिलेगा आओ तो सही और फिर भी वहां सभी मशीनें खड़ी रहती है आओ 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 हार्डली एक दो होते हैं कौन जाता है जिम में जो हेल्दी है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्थ जिम में जाता है रोगी नहीं जा सकता इसी प्रकार से हमारा वेदांत का सत्संग जिम के जैसा है यहां आपको भीड़ नहीं मिलेगी यहां तबला पेटी नहीं है यहां सत्संग के बाद प्रसाद नहीं है सबसे महत्व की बात आपको यहां कुछ नहीं मिलने वाला आर वी रेडी फॉर ए बार्गेन ऑफ टोटल लॉस देखो संतो ना कुछ पाना ना कुछ खोना केवल योग्य प्रकार से चिंतन करो तो जीवन की सब समस्या समाप्त हो जाती है अपनी अनुभूतियों से सीखो आपको गुरु महाराज प्रसन्न हो गए देखो एक उदाहरण लेते फिर जाएंगे पंद्रहवें अध्याय में हम जब सोते हैं तो हमको क्या मिलता है बताओ कुछ नहीं मिलता ऑन द कॉन्ट्री हम सब छोड़ देते हैं हम अमीर है गरीब है स्त्री है पुरुष है पति है पत्नी है सबको छोड़ 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 करके सबको छोड़ दिया और मिला क्या कुछ नहीं मिला क्या मिलता है वहां कुछ नहीं लेकिन सोने के लिए कितने तरसते हैं सत्संग में भी आएंगे देखो तो क्या मिलता है कितनी महत्व की बात है और इसलिए ये जो पंद्रहवा अध्याय है ना ये हमको बहुत ही सूक्ष्मता से अपने दर्शन कराएगा और इसीलिए लिए गीता का अध्याय का पंद्रह श्लोक पंद्रहवा पहला श्लोक हम कहेंगे आपकी इच्छा हो तो आप दोहराओ नहीं तो पकोड़े खाओ श्री भगवान वाच ऊर्धमूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुर व्यय चंदा से वेद ये जो संसार है इसको एक रूपक में बताया ये संसार क्या है अश्वत्थम अश्वत्थम आने वटवृक्ष वटवृक्ष के जैसा है और कैसा है ये कहते उध्व मूल मधाखम किसी पेड़ ने समझो शीर्षासन कर लिया होगा तो उर्ध्व मूल अच्छा अश्वत्थम श्व माने टुमारो आने वाला कल अश्वत्थम जो आज जैसा है वैसा कल नहीं रहता देखो आश्वस्तम कितने भी हमारे जैसे बुढ़ो लोग कहते हैं ना, हमको एक बार किसी के घर गए मारवाड़ी लोग थे तो गए नमस्कार चमत्कार हुआ तो बुढ़ो आए सामने महाराज जी आप कहाँ के हो, तो मैंने देखा उनके घर का माहौल भगवान कृष्ण का फोटो था मंदिर था तो हमने कहा यहाँ इनके साथ नजदीक होने के लिए झूठ बोल दो वृंदावन के अच्छा वृंदावन के प्रणाम आ रहे आदमी को झूठ बोलना आना चाहिए आप क्या हम कब सच बोलते <laughs> देखो महाराज और फिर बुढ़ाओ की बात तो है स्वामी जी वृंदावन कितना बदल गया जी इधर आओ उनको ले गया मैं एक वहां हाथ धोने का सिंह था दर्पण था जी दर्पण में जो है बीस चालीस साल के पहले ऐसा ही था क्या हमको दुनिया बदल रही है दिखता है हम बदल रहे दिखता नहीं किसी को कहना पड़ता है दादाजी हम अब बूढ़े हो गए नो नो नो, आई आई एम एम नॉट, यंग, और गर्द शाकम, अश्वत्थम, ये जगत का नियम है एवरीथिंग इज चेंजिंग इसी को संसार कहते हैं समसरती इति संसार जो नित्य परिवर्तन में लगा हुआ है उसको संसार कहते हैं सो so, उर्धमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राव्ययम लेकिन कैसा है अव्यय है अब अव्यय का तात्पर्य समझ लो आप समझो गंगा जी में डुबकी लगाए या गंगा जी से एक गिलास पानी लिया और पी लिया और फिर दूसरे बार गिलास डुबाओगे तो वही गंगा जी नहीं होगी पानी तो बह गया उसको कहते प्रवाह नित्य इसी प्रकार से बचपन का देह कहा गया जवानी का देह कहाँ गया मिडिल एज का देह कहाँ गया वही ये बुढ़ाऊ का देह जाएगा तो जब हम तीन बार देह बदल चुके हैं तो हमको कुछ हुआ नहीं ये चौथे बार बदलने के लिए काहे का डर है भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद दुखी होने का अधिकार नहीं देखो महाराज तो ये जितने परिवर्तन हो रहे हैं उसका जो आधार है वो ज्यो त्यों है यहां तम वेद स वेदविद वो हमको जानना है देखो जगत में दो बातें होती है एक जो परिवर्तनशील है और दूसरा जो परिवर्तनों को आधार देता है लेकिन स्वयं नहीं बदलता अब एक एक चीज को हम आप फटाट से ले आएंगे आपके पास कितने रूप रंग है यहां लाल पीला नीला काला सफेद इतने बदल रहे रंग हमारे दृष्टि पे कोई फर्क पड़ा क्या लाल रंग देखा तो लाल हो गई क्या पीला देखा तो पीली हो गई काला देखा तो काली हो गई वो नहीं बदल रही है इधर ध्यान दो ना बचपन आके चला गया कुछ फर्क हुआ कुछ नहीं पहली बार किसी लड़की को छोटा सा बच्चा पूछता है आंटी व्हाट इज द टाइम प्लीज तो वो आंटी क्या कहती है डोंट कॉल मी आंटी कॉल मी दीदी अरे बुढ़ाऊ दीदी उस बच्चे के लिए तो आंटी हो गई ना उसी प्रकार से एक विवाह हम गए थे तो एक छोटी सी लड़की आई हमारे साथ जो बैठे थे सज्जन कहते दादाजी चलो आपको वहां पूजा में बुलाया है सबके सामने मुझे दादाजी मत को अंकल को हाथ में डंडा है ऊ कर रहे अंकुल उनका दोष नहीं किसी को भी अपने में परिवर्तन आ रहा है ये अनुभव नहीं होता उधर ध्यान दो ना कितनी सिंपल बात है मूल अश्वत्थम है बढ़ता नीचे है यह अश्वत्थ वृक्ष कहीं देखा है क्या आपने कहीं नहीं होता हम आपको दिखाते हैं पेड़ पौधे नीचे से खाते हैं ऊपर को उठते जानवर सामने से खाते हैं पीछे को बढ़ते हैं हम लोग ऊपर से खाते हैं नीचे को बढ़ते <laughs> तो उध्व मूल मदम यही है वो अश्वस्थ वृक्ष अपना ही देह एक बार एक छोटी बच्ची ने हमको पूछा बिल्कुल सीरियस होकर के स्वामी जी वेन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड बिगिंस एंड वेयर द वर्ल्ड एंड तो मैंने उसको उठाया हमने कहा तुम कितनी स्वीट हो किसने कहा तुमको ये प्रश्न मुझे पूछने के लिए और इनसेंट चाइल्ड मम्मी तो फिर मम्मी तू क्यों नहीं पूछती स्वामी जी मुझे डर लगता है आपका मैंने मैं एक वेजिटेरियन हूं कोई खाता नहीं किसी को हमने कहा देख मेरे प्रश्न के उत्तर दे आज सुबह तू कब उठी थी बोले स्वामी जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा सात बजे उठी ये दुनिया सात बजे निर्माण हुई दुनिया कहां से प्रारंभ होती है अपने देहात्म भाव से कहा खत्म होती है जब देहात्म भाव खत्म हो गया तो सुषुप्ति अवस्था में तीन प्रश्न हम कहा होते हैं हम कब होते हैं और हम क्या होते हैं सबका उत्तर नहीं 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 सुषुप्ति में हम देह के अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं कमरे के अंदर है कि कमरे के बाहर है जयपुर में है कि रायपुर में है 2023 में है कि उन्नीस में है स्त्री है कि पुरुष है जवान है कि बूढ़े है दुनिया क्या है ए मैट्रिक्स ऑफ थ्री पैरामीटर्स टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ये तीन को हटा दो दुनिया गायब तो ये जो है ना उर्ध मूल मदशा कम बाहर मत ढूंढना अपना ही कहा अपनी ही कहानी है ये उर्ध मूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुर और फिर कहते हैं इस वृक्ष की शाखाएं क्या है और पत्ते क्या है छंदामसी यस्य पर्णानी छंदामांसी मीन्स शास्त्र उपनिषद गीता या तो फिर वेद छंदामसी छंदस माने वेद चंदामसी सी यश्य प्रणानी ये किसके लिए बताया जो हमने कि मनुष्य देह ही जगत है और ये इसमें इसका आधार जो है वह परमात्मा है ये किसके लिए है जिसने अपने शास्त्र के सिद्धांत को स्वीकार किया है उसके लिए आजकल एक नया फैशन शुरू हो गया है हम अंधश्रद्धा में विश्वास नहीं रखते अब उनको पता भी नहीं क्या बोल रहे देखो। हमको एक लड़का पूछ रहा था हमने कहा भाई मुझे नहीं मालूम बोले नहीं स्वामी जी आप टाल रहे मुझे बताइए मैं सीखना चाहता हूं जानना चाहता हूं हमने कहा फिर सुन मेरे प्रश्न का उत्तर दे, आर्ग्यूमेंट मत कर बोले ठीक है फिर मैंने उसको पूछा कि तुम जिसको अपनी मां कहते हो तुमको मालूम है कि तुम कहां से टपके इस दुनिया में किसी ने तुमको बताया ये तुम्हारी मां है हम माँ को कहते हैं क्या माम वेर इज योर डी एन ए रिपोर्ट चेक नहीं वो तो श्रद्धा से ही करते हैं ना और वो मां जिसको हमने श्रद्धा से स्वीकार किया है वो कहती है ये तुम्हारे पिताजी है डबल श्रद्धा संतो अज्ञान के क्षेत्र में आंतरिक शक्ति को श्रद्धा कहते हैं जब मालूम होता है तो श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं इसीलिए हमको परमात्मा के बारे कुछ मालूम नहीं तो फिर उसका अधिष्ट उसका आप्त वाक्य क्या कौन है, जिस पर हम विश्वास रख सकते हैं वो है हमारे शास्त्र और हमारे गुरुजन इसीलिए कहते हैं शास्त्र से गुरुवाक्य सत्य बुद्धावधारणा सा श्रद्धा कथिता सब यया वस्तु उपलब्ध शास्त्रों में जो कहा है गुरुजनों ने जो हमको सिखाया है वो किस प्रकार से सत्य है ऐसी विधेयात्मक विचारधारा को श्रद्धा कहते हैं और इसी के द्वारा परमात्मा का अनुभव होता है हमारा पूरा जीवन इसी पर चल रहा है देखो हम चढ़ते हवाई जहाज में तो मालूम होता है क्या आगे टिकने वाला है कि ऊपर के ऊपर जाने वाला है किस हिसाब से बैठते हैं श्रद्धा से नहीं नहीं उतरेगा जीवन का हरेक क्षण केवल श्रद्धा से ही है इतना ही क्या आप कहीं जा रहे हो आपको रास्ता मालूम नहीं रास्ते पर के कि किसी अनजान व्यक्ति को पूछ लेते भाई वहां जाना है कैसे जाए वो बताता है यहां से सीधे जाओ फिर बाय टर्न करो फिर जाओ और फिर दूसरा इसमें राइट टर्न करो वहां आ जाएगा हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना क्योंकि अज्ञान है इसीलिए अज्ञान के कंपाउंड को क्रॉस करने के लिए जो आंतरिक शक्ति है उसको श्रद्धा कहते हैं इसलिए छंदासी परनानी जो हमारे शास्त्रों ने कहा है और जो हमारे गुरु जो ने कहा है उसके आधार पर चलेंगे तब हमको ये समझ में आएगा कि हम ना तो हमारा जन्म हुआ है ना तो हम बढ़ रहे हैं ना तो हमारा मृत्यु होता है ना तो हमारा अभाव होता है चार बातों को याद रखना हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है हमको अपने बढ़ने का अनुभव नहीं है हमको अपने मरने का अनुभव नहीं है और हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं है बचपन में हमने अग्नि को हाथ लगाया इसीलिए अग्नि दिखता है तो डरते हैं क्योंकि पहला अनुभव है अग्नि जलाता है कभी मरने का अनुभव हुआ था क्यों डरते हैं दूसरों को मरते हुए देखते इसीलिए मैं भी देह हूं मैं भी मरूंगा तो मरो देखो संतो हम जन्म मृत्यु के परे है यही बताने के लिए श्लोक है चंदासी यानी यहां तम वेद सवेदविद जिसने इस अपने स्वरूप को जाना है उसी ने शास्त्रों के सभी सिद्धांत को निचोड़ से समझ लिया है और कुछ जानना आवश्यक नहीं देखो हम आपको एक दो प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर सबका एक ही होगा मन में रखना देखो Uh, महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था यार हमको नहीं मालूम <laughs> कुछ फर्क पड़ा क्या कुछ फर्क नहीं पड़ा लेकिन हम कौन है ये नहीं जानने से फर्क पड़ता है ना तो जानने योग्य क्या है अपना आपा ये दुनिया की चीजों से जानने से कुछ नहीं होगा इसमें एक भी चीज आज तक नई नहीं, नहीं हुई एवरीथिंग इज द सेम रबिश देखो लेकिन ऐसे लगता है यही सब कुछ है तो छंदाम सी यश्य प्रणानी यस्तम वेद सवेदविद कई बार लोग कहते स्वामी जी ये इतने भयानक लोग हैं सब जगह में गड़बड़ी है करप्शन है ऐसा कब होगा इतने तूफान आ रहे हैं लोग मर रहे वगैरह वगैरह हमने कहा देखो ये कब नहीं हुआ था सत्य युग में हिरण्याक्ष हिरण्य कश्यपु नाम के असुर थे उसके बाद त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण इत्यादि असुर थे फिर द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन धुतराष्ट्र इतने भयानक लोग थे कलियुग में हम सब लोग हैं नई कौन सी बात है दुनिया में हमेशा ऐसा ही रहा है ऐसा ही रहेगा दुनिया को लेकर के पागल होना इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हमारे पास ऐसे विचित्र प्रश्न आते हैं। कि स्वामी जी हमने इतना गीता का किया क्या मिला किसको गीता को हम खाना खाते हैं, तो खाने की आवश्यकता है ये खाने को आवश्यकता है हमको खाने की आवश्यकता है नहीं खाओ तो पड़ा रहेगा उसको क्या फर्क पड़ता है मत खाओ इसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते पूजा करते जप करते भगवान को इच्छा है क्या यार मेरा जप करना यार बहुत दिनों से नहीं ये तो हमारी खुजली है ये चाहिए वो चाहिए एक सिद्धांत आपको बताते हैं बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है जगत में हम जो भी करते हैं ना कुछ भी करो आप इसकी आवश्यकता किसी को नहीं है जो भी हम करते हैं उसकी आवश्यकता हमारी है देखो इस सिद्धांत को आप ले लो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। लेकिन हमको ऐसा लगता देखो हमने बच्चों को इतना बड़ा किया इतना उनके लिए किया अब वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए अब ध्यान से सुनना किसको कौन चाहिए बच्चों को मां बाप चाहिए कि माँ बाप को बच्चे चाहिए शादी के बाद जब बच्चे होते नहीं तो दौड़ भाग करते हैं ना बच्चों के लिए तो किसको कौन चाहिए मां बाप को बच्चे चाहिए तो फिर करो उनको बड़ा करो चिल्ड्रन डी नाश क्यों मेरे मम्मी पापा मुझे पैदा करो नहीं ये कितना सिंपल सिद्धांत है जो भी हम करते हैं जीवन में उसकी आवश्यकता हमारी है यदि ये, ये सिद्धांत पकड़ लो तो जीवन में एरोगेंस कभी नहीं आता देखो संतो और इसीलिए हमारे शास्त्र जो बताते हैं ना कि दुनिया में जानने योग्य कुछ वस्तु है तो अपना आप अधोर्धम प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्य अनुसंतता कर्मानुबंधी मनुष्य लोके और फिर हम इस दुनिया में मैंने ये किया मैंने वो किया मैं ऐसा करता मैं वैसा करता इसी दुनिया में ऐसे फंस गए हैं कि उसकी जो शाखाएं हैं ऊपर नीचे बढ़ रही है ऊपर की शाखा मेरे पिताजी वो थे मेरे दादाजी वो थे मेरे दादा के दादाजी वो थे उनके दादाजी के दादाजी वो थे ऊपर की शाखा है। नीचे इतना सारा पैसा इकट्ठा करेंगे कि अगली दस पीढ़ियों को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा उर्द्व मूल मद शाखा कितना इकट्ठा करके रखते एक जगह ऐसा ही कुछ फंक्शन चल रहा था उसमें हमको पूछा कि स्वामी जी समझो ये हम लोग सब खेल रहे हैं, आप भी बताइए समझो आपको एक दिन के लिए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया और आपको एक लॉ बनाने का मौका दिया आप एक लॉ जो बताओगे वो होगा तो आप कौन सा लॉ बनाओगे हमने इन लॉस तो नहीं बनाएंगे पहली बात तो लॉ कौन सा बनाएंगे हमने कहा एक लॉ जिसमें लैंडेड एंड इमुबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन ये लॉ बनाएंगे खूब करो पैसा खूब करप्शन करो खूब करो मरने के बाद वो गवर्नमेंट के पास जाएगा बच्चों को नहीं मिलेगा सब कंट्रोल हो जाएंगे अभी हम इतना करके रखते हैं इतना करके रखते हैं क्यों बच्चों को काम आएगा क्यों बच्चे में एक दम नहीं है क्या नहीं वो हमारे बच्चे उसमें क्या दम हो सकता है अरे दरिद्री इसको लेकर के हमको ये अंग्रेज लोगों की बात बहुत अच्छी लगती है ये जो वाइट सोसाइटी है ना वो बच्चों को बहुत प्यार देते हैं उनके साथ खेलेंगे समुद्र पर जाएंगे मिट्टी में खेल सब कुछ करेंगे कब तक के अप टू द एज ऑफ थर्टीन तेरह चौदह साल हो गई उम्र उसके बाद बेटा पैसा कमा के लाओ इसी घर में रहना है यही खाना है लेकिन पर डे ट्वेंटी डॉलर तुमको देने पड़ेगी फिर वो लड़का कुछ भी काम कर होटल में जाकर के बर्तन साफ कर झाड़ू लगा कुछ भी कर पैसा कमा फ्री में कुछ नहीं मिलता देखो इसीलिए आप देखेंगे इन उन स, उस सोसाइटी में चिल्ड्रन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेरेंट्स डोन्ट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम चिल्ड्रन हमारे पूरा जीवन उसी पर लदा हुआ है अब दुखी हो के रहते तस्य शाखा हमेशा उल्टा ऊपर नीचे उसी में फंसे है और गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला और फिर विषयों में फंसे हुए है कितना सामान इकट्ठा कर लेते आप अपने घर में जाके देखो इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें एक नियम बताते हैं जो वस्तु आपने पिछले छः महीने से उपयोग में नहीं लाई वो आवश्यक नहीं है एक हमारे फ्रेंड गए थे इस कोर्स को करने के लिए जापान आने के बाद हम गए उनके यहाँ खाना खाने के लिए तो उन्होंने मेरे कंधे पर बंदूक रखी और कहा स्वामी जी मैंने अपने पत्नी को बताया मानती नहीं मैं अभी वहां से सीख के आया इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि छः महीने जिसका उपयोग नहीं था वो आवश्यक नहीं निकाल डालो कितना घर में इकट्ठा करके रखा पत्नी ओआ स्वामी जी पहले इनको ही जाना पड़ेगा <laughs> छ महीने से कुछ नहीं किया इन्होंने निकालो इनको देखो महाराज ज्यादा सामान इकट्ठा मत करो इतना इकट्ठा हो जाता है अरे राम 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 और फिर कहेंगे हमारे बंबई के लोग फिर कहेंगे स्वामी जी आई एम थिंकिंग ऑफ एडिंग वन रूम टू माय फ्लैट क्यों देखो जगह ही नहीं है जगह नहीं है तो सामान हटाओ ना फिर जगह हो जाएगी देखो नहीं ये जो कुर्सी है ना ये हमारे दादाजी के दादाजी के उसमें ये मरे थे इसलिए रखिए मरो उसमें वस्तुओं के प्रति इतना आसक्ति का भाव इसीलिए गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताए समझने बहुत आसान है सबसे सुंदर और स्वच्छ आ, शहर कौन सा है इंदौर कितने दिनों से छह साल से ना सबसे गंदा घटिया कहीं भी देखो गंदगी ही गंदगी है यहां जब आते हैं ना आपके ये कौन सा रोड है चर्च रोड दोनों तरफ से गंदगी ही गंदगी तो हर जगह बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं दो प्रकार के बर्तन रखो सूखा कचरा गीला कचरा ये हम लोगों के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना सूखा कचरा रिश्तेदारों को इकट्ठा करना गीला गजरा हम इन दोनों के द्वारा परेशान होते हैं देखो अर्जुन के दुख का कारण युद्ध नहीं था रिश्ते थे देखो संतो विषय प्रवाला फिर अधश्च मूला संततानी और फिर ए हम ही जगत में इतने फंस जाते हैं जैसे आपने वट वृक्ष को देखा होगा ना एडवेंटेशियस रूट होते हैं और उसके द्वारा वो वृक्ष और तगड़ा बनता है और फिर हम इस दुनिया में ऐसे फंस जाते हैं कि यहां से निकलने का मन में विचार भी नहीं आता कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग फिर ये कर्मा 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 ये दिमाग से कर्मा को हटा डालो कुछ नहीं होता कर्मा वगैरह ये अपने आप को बेवकूफ बनाने का धंधा है कर्म किसको कहते हैं इसको समझ लो पहले फिर देखो आप एक क्षण में कर्म से मुक्त हो जाओगे एक बार हमको हमारे मित्र कहीं दूसरे देश में स्कैंडिनेविया में ले गए थे तो स्वामी जी खाने का विचार है क्या खाए हमने तुम जो खिलाओगे खाएंगे तो हम घूम रहे थे देख रहे थे एक जगह लिखा था बोर्ड बहुत बढ़िया कर्मा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हम लोग गए समझे क्या मंगाऊ हमने क्या मंगाना है कर्म है तो प्रारब्ध मिलेगा खा लो देखो एक कर्म कर्म किसको कहते समझो एकादशी है और आपने गलती से चावल सब्जी रोटी खा ली फिर बाद में समझ में आ गया कि आपने एकादशी के दिन खाया है ओ कृष्णा 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 अब मैंने किया महापाप हो गया हामी जी मैंने ये खाया है एकादशी के दिन अब क्या होगा हमको पूछते हैं कुछ नहीं होगा डायरेक्टली हेल नॉन स्टॉप फ्लाइट है चले जाओ देखो अच्छा अब खाना पेट में गया पेट में जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ तो महापाप है डिसेंट्री हुई तो महापुण्य है तो समझना क्या है मैंने खाया खाना भी क्रिया है डाइजेशन भी क्रिया है जिस क्रिया के साथ मैं जुट जाता है उसको कर्म कहते हैं जिस क्रिया के साथ मैं नहीं जुटता वो क्रिया है और कर्म फल होता है क्रिया फल नहीं होता कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोके हम इसलिए बंधन में आते हैं कि मैंने इतना किया था मैंने उतना किया था तो करो ना सफर करो हु <coughs> इसलिए इसी में आदमी फंसा रहता है यही हमारा संसार चल रहा है अच्छा महाराज ये कहानी तो बता दी हमारी अब आगे जाकर के कन्हैया लाल हमारे इस ज्ञान को पंचर कर देते हैं देखो न रूपम से तथोपलभ्यते ना तो न चादीर नट संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा ये जो तुमको हमने बताया ना संसार का वृक्ष ये ऐसा नहीं है अरे अभी तो आपने बताया न रूपम से तथोपलब थे ऊर्ध्व मूल मद शाखम ऐसा कही नहीं है कम इह, इह माने विचार काले यदि आप चिंतन करो तो हम बिना चिंतन के ही चिंता में फंसे हुए हैं जीवन की सभी समस्या का प्रारंभ विचारों से होता है और सभी समस्या का समापन विचारों के सुलझाने से होता है देखो ये योगा के लोग कहते हैं ना योग में आता है योगहा वृत्ति निरोध कि हमको अपने विचारों को रोक के रखना है आज तक किसी भी योगी को पूछो क्या उसके विचार शांत हो गए विचारों से क्यों डरना है आंखें देखती है आंखें बंद कर डालो क्यों आंखें देखने के लिए दी है हम डॉक्टर के पास जाएंगे क्या डॉक्टर साहब जब मैं आंखें खोलता हूं सब ठीक दिखता है ठीक तो अच्छी बात है इसी प्रकार से मन में विचार आते हैं तो कौन सी बुरी बात है विचार मन में नहीं आएंगे तो नाक में आएंगे कर करके निकल डालो कहा आएंगे विचार मन में ही आएंगे तो जैसे आंखों से देखना यह स्वस्थ लक्षण है आंखों से नहीं दिखना ये रोग है इसी प्रकार से मन में विचार आना यह स्वस्थ लक्षण है विचार नहीं आना क्या हो गया पता नहीं आई एम फीलिंग वेरी ब्लैंक पागल खाने जाओ विचारों से मत डरो इसीलिए यहां कहते हैं कि ये जो बताया है ना जगत कैसा है इसके ऊपर चिंतन करो तो आपको पता चलेगा ऐसा जगत कहीं नहीं है ये अत्यंत सूक्ष्म विचार है हमारे शास्त्रों में दो प्रकार से बताते हैं यह जगत प्रतीति है होता नहीं और ये जगत हमारे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ये दो प्रकार से इस जगत के बारे में चिंतन करना है जब ऐसा चिंतन करेंगे तब पता चलेगा कि हम खाली पीली परेशान हो रहे थे लाइफ में ये क्या है कैसा है इसको हम कल देखेंगे ओम पूर्णमदहा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम